तो चलो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। कहता है, ये बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 450 से 550 के बीच वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूट है। एक बीम है, ठीक है, लाइट का बीम है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ हैं, और ये सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस से पास कर दिए। चलो एक यहाँ पर एक सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट की बीम आ रही है, दिस इज द बीम ऑफ द लाइट, और इसमें अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ लैम्डा वन कितना है, 450 से लैम्डा टू जो है 550 के नैनोमीटर की वेवलेंथ इसमें है। अब यहाँ से ये जब हमने इतनी बीम यहाँ से डाल दी, तो ये कहते हैं विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। हमने बहुत सारे वेवलेंथ डाले, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, डॉट 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 लैम्डा एन, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसके बीच भी तो वेवलेंथ है, तो वो बहुत सारी वेवलेंथ है। और यहाँ से जब जब ये जो बीम डाली गई, लाइट की बीम डाली गई, तो यहाँ से बीम बाहर भी तो आएगी भाई, यहाँ से बीम बाहर भी तो आएगी, खा थोड़ी जाएगा ये। तो जब बीम आएगी तो यहाँ पर अलग अलग बीम की, जैसे लैम्डा वन है, जैसे 450 है, तो इसकी इंटेंसिटी आई वन है, मान लो यहाँ पे 460 भी है कोई, तो उसकी इंटेंसिटी आई टू है, तो जब ये बाहर आएगी तो इंटेंसिटी आई टू का आई टू डैश हो सकता है, आई वन का आई वन ही रह सकता है, ठीक है, आई थ्री दूसरा इंटेंसिटी आई थ्री जो पहले यहाँ था, यहाँ आई थ्री डैश हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ अलग अलग इंटेंसिटी आपको मिलेगी। तो अब हमें निकालना ये है कि लीस्ट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मिनिमम कौन सी होगी, उसकी कैलकुलेशन, उस वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। फाइंड द, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, विच वेवलेंथ, इसमें से बहुत सारी वेवलेंथ थी, और उन सभी वेवलेंथ में से एक एक या बहुत सारी वेवलेंथ हो सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो, यहाँ पर उस वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी है, लैम्डा कैलकुलेट करना है इधर, जिसकी इंटेंसिटी या इधर मिनिमम आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलो अब लॉजिक क्या डेवलप होगा और ये कैसे हम करेंगे, तो भाई हम ये सोचेंगे कि इंटेंसिटी घट क्यों जा रही है, जब इधर से हमने बहुत सारे लैम्डा डाले थे भाई, इधर से हमने लैम्डा बहुत सारा डाला, तो जब इधर आ रही है तो इंटेंसिटी कम क्यों हो जा रही है। इंटेंसिटी इसलिए कम आ रही है क्योंकि ये जो फोटोन यहाँ से आ रहे थे, वो कुछ फोटोन ये अब्जॉर्व कर लेगा गैस, तो जब फोटोन अब्जॉर्व कर लेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसमिटेड कम हो जाएंगे और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन से फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा, है ना, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो विजुअल लाइट, देखो यहाँ से जो डाली गई है विजुअल लाइट, ध्यान देना इधर एक बात हुई है, वेवलेंथ, हाँ ये जो वेवलेंथ विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में लाई करता है, 450 से 550 विजुअल लाइट में लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। अगर मैं हाइड्रोजन जो सबसे सिंपल है उसका एनर्जी लेवल आई होप कि आपको याद होगा, तो उसको मैं बना दूँ ऐसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कम होता चला जाता है, तो एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, यहाँ एन इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, -3.4, -1.5, -0.85 और -5.4, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। अब देखो विजुअल जो रेडिएशन पड़ रहा है, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, वो विजुअल लाइट है, विजुअल लाइट में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब अब्जर्व विजुअल लाइट किस में आएगी, विजुअल लाइट जो होती है वो लाइमन सीरीज नहीं, वो बामर सीरीज में लाई करती है, बामर सीरीज बनाती है। जो बामर सीरीज क्या होता है भाई, जब कोई ये जो फोटॉन आया, वो ये यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, वो
वो इलेक्ट्रॉन जो 2 में होगा वो अब्जॉर्व करके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जब जंपिंग होगी, इसमें जंपिंग होगी, क्योंकि विजुअल लाइट तभी एक्सेप्टेबल होगा, समझ रहे हो ना, ये लाइट, ये फोटॉन तभी एक्सेप्ट होंगे जब विजुअल लाइट ट्रांसमिट, इसे यहाँ से विजुअल लाइट तभी निकलेगी भाई इधर, समझ रहे हो। एक बार फिर से मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ये जो फोटॉन आए वो फोटॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व कर लिए होंगे, जो भी जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अब्जॉर्व करके ऊपर गए होंगे, एक्साइट हुए होंगे, तो जब डी एक्साइट होंगे तो ये वाली इंटेंसिटी आई इधर की इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड मिलेगी, जो कि विजिबल लाइट में आएगी, तो विजिबल लाइट में तभी आएगी जब बामर सीरीज में होगा, समझ रहे हो ना। पहले फोटोन ऑब्जॉर्व किए, फिर एक्साइट हुए, फिर जंपिंग हुई, तो ट्रांसमिशन हुआ, और जंपिंग कहाँ हुआ, बामर सीरीज में। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम कि कौन से फोटॉन ऑब्जॉर्व करेंगे विजुअल लाइट में। तो बामर सीरीज में और एनर्जी अगर डिफरेंस देखोगे तो डेल्टा ई वन को मैं ई टू माइनस ई थ्री अगर निकालूं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो लैम्डा वन है, जो 400 लैम्डा वन है, जिसकी जो वेवलेंथ 450 नैनोमीटर पड़ी है, इसके पास कितनी एनर्जी है इस फोटॉन के पास। तो डेल्टा ई आ जाएगी, वो आ जाएगी SC/λ1। तो SC 12 नंबर 402 और 450 से डिवाइड करोगे तो फाइनली बच्चों मिलेगा 2.76 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है हमें याद रखना है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ मिनिमम थी उसके, वो इतनी एनर्जी का फोटॉन, उसके उस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी है। चलो उसी तरह से लैम्डा टू जो वेवलेंथ है यहाँ, वो कितना है, 550 है, देखो तो, हाँ 550 है, 450 वाले के पास इतनी एनर्जी है, और 550 वाले के SC/λ2, तो जो एनर्जी आ जाएगी डेल्टा ई टू, यहाँ से डेल्टा ई टू लैम्डा टू, तो 12 नंबर 402 और 550, तो ये जो हमें मिलेगा वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो दो वेवलेंथ दिए हुए थे, ये 550 है, 550 है, ठीक है, तो जो दो वेवलेंथ दिए थे 450 और 550, मतलब 450 और बीच बीच में बहुत सारी वेवलेंथ है, और 550 इन फोटोन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है 2.76 से लेके 2.25 के बीच, ये यहाँ से इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो मिनिमम इतनी एनर्जी है और मैक्सिमम इतनी एनर्जी है, ठीक है। ये अब इसके बीच भी वेवलेंथ बहुत सारे हैं, ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू बहुत सारी वेवलेंथ है जिसके पास यहाँ अलग अलग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बीच में अलग अलग एनर्जी है। अब देखो, अब हाइड्रोजन का एटम कौन सा फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा, तो वो फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा जिसकी वेवलेंथ, वो फोटॉन ऑब्जर्व करेगा जो एग्जैक्ट इनके एनर्जी डिफरेंस से मैच करेगा। एनर्जी डिफरेंस कितना यार, एनर्जी डिफरेंस 2.25 और 2.6 है, मतलब इससे ऊपर के डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये इसके ऊपर के जो डिफरेंस है, ये सारे यही 2.5 और 2.7 एनर्जी डिफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आपको और ज़्यादा, तो यहाँ से जो डेल्टा ई वन आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस अगर डेल्टा ई वन कैलकुलेट करो तो 3.4 में, हाँ यहाँ से ई टू और माइनस ई थ्री अगर करोगे तो ई टू माइनस ई थ्री मतलब 3.4 और -1.5, तो यह आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फोटॉन है वो तो ये जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है, या जो इंसिडेंट फोटॉन है, देख रहे हो जो इंसिडेंट, ये वाले जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है, उनसे कोई भी ये एनर्जी डिफरेंस मैच नहीं कर रहा 1.9 वोल्ट, तो ये तो बेकार है, ये तो कभी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर इधर फोटोन है ही नहीं। तो यहाँ से दूसरी वाली जो एनर्जी ई टू है वो 3.4 और -0.85, ठीक है, उसे अपर लेवल वाले माइनस कर दिए 4 वाले में से। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ
तो ये आ जाता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक खास फोटॉन आ गया जो इनके बीच लाई कर गया। देखो समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ये जो फोटॉन है वो जो इंसिडेंट फोटॉन थे उनके बीच में इधर कहीं लाई कर गया होगा, इधर कहीं लाई कर गया होगा। तो यहाँ पर जो एक खास वेवलेंथ होगा, जिस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होगी वो वाला फोटॉन अब्जॉर्व कर लेगा और एक्साइट होकर डी एक्साइट होगा और उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और तीसरा अगर एनर्जी डिफरेंस निकालूँ मैं तो 3.4 और -0.54, तो यह आ जाएगा 2.86। ये भी 2.5 से जो है 2.86, मतलब ये भी बाहर चला गया, तो ये भी यूजलेस है। मतलब यहाँ पर एक खास फोटॉन आया है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो और जिसके पास एनर्जी 2.5 हो, वो फोटॉन गैस अब्जॉर्व कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके एक्साइट होगा तो उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो हमें यही वाला लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो ये लैम्डा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन एनर्जी डिफरेंस। तो एस सी 12 नंबर 402 और एनर्जी डिफरेंस जो है 2.55 है। तो ये खास जो है 487 नैनोमीटर। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। मतलब यहाँ पर एक खास वेवलेंथ होगा जो जो 487 नैनोमीटर का होगा, उस वाले फोटॉन के उस वेवलेंथ के पास इस इतनी 2.5 एनर्जी होगी और वो जब ट्रांसमिट होगा तो एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो वो जब ट्रांसमिट होगा तो उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी क्योंकि वो गैस अब्जॉर्ब कर लेगा उस फोटॉन को।